चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबर बालाघाट से देखेंगे, जहां पर नगर पालिका अध्यक्ष व भाजपा नगर अध्यक्ष पर भड़के हैं पूर्व मंत्री। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के सामने ही भाजपाई भिड़ गए हैं। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने नपा अध्यक्ष पार्टी के नगर अध्यक्ष को भी दगाबाज कहा है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इस दौरान आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने पार्टी के नेताओं पर दगाबाजी का आरोप लगाया है। बीजेपी की बैठक में ही विवाद हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के सामने भाजपा भिड़े हैं पूर्व मंत्री गौरीशंकर अध्यक्ष और नपा। आपको बता दें इन्होंने नपा अध्यक्ष पर भी दगाबाजी का आरोप लगाया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में फिर से गुटबाजी यहां पर सामने आई है। गौरीशंकर बिसेन ने पार्टी के नेताओं पर ही दगाबाजी का आरोप लगाया है। चलिए सुनवाते हैं आपको। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक एक बूथ में आपको तैनात होना पड़ेगा। जीते हो तो खुशियां मत मनाओ, और पीछे रहे हो तो आपको मेहनत करना चाहिए, तब आज जाके चुनाव पर जीतेंगे। बूथ अनिल डोरे जी जो गए नगर पालिका अध्यक्ष हैं। अनिल साहब बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। जी मैडम। अनिल जी, क्या ये पूरा मसला है भाई, आप लोगों की पार्टी की गुटबाजी बिल्कुल सरे मंच पे सामने आ गई, दगाबाजी तक का आरोप लगा दिया पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने आप लोगों पर? नहीं नहीं, उनका कहना ये है कि आप पार्टी के कामों पर विशेष ध्यान दो, पूरे बूथों को जीतो। जिस प्रकार से हमारी लीड कम हो गई पिछले बार से, उसको उन्होंने कहा कि आप मेहनत करिए और लीड को बढ़ाइए। ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है हमारी पार्टी में, सब एक है। साफ साफ वो कह रहे हैं कि वोट का हिसाब दो। हिसाब दिया फिर आप लोगों ने वोट का? हिसाब देने का मतलब वही है कि उनका पिछले बार हमारी लीड अधिक थी, इस बार कम क्यों हुई, ये ही पूछे उन्हें बस, ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन वो तो साफ ये भी कहते हुए नजर आए ना कि भाई आप लोग सब दगा, आप लोगों की दगाबाजी के चलते इस तरह के जो हालात हैं वो उत्पन्न हो गए। हम आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद मैं आपसे जवाब लेती हूँ, सुनिए जरा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक एक बूथ में आपको तैनात होना पड़ेगा। जीते हो तो खुशियां मत मनाओ, और पीछे रहे हो तो आपको मेहनत करना चाहिए, तब आज जाके चुनाव पर जीतेंगे बूथ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अनिल जी। जी मैडम। जी बताइए, आप किस तरह की तैयारी रहने वाली है फिर आप लोगों की? मैडम हम, हमारी पार्टी का सिद्धांत है बूथ जीते चुनाव जीते, इस आधार पे हम लोग काम करते हैं। और बूथों में उनका कहना है हमारे माननीय मंत्री जी का कि पिछले बार की लीड थी, लीड को बढ़ना चाहिए था, घटना नहीं चाहिए था, ये उनका कहना था। उन्होंने कहा कि अब अधिक मेहनत करके लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बालाघाट नगर से ज्यादा मतों से विजय करिए। चलिए बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज बिसेन जुड़ गए हैं, स्वा संवाददाता है राज बिसेन, और ताजा अपडेट। जी मैम, मैं आपको बता दूं कि कल राकेश सिंह यहां पर आए हुए थे, और उस कार्यक्रम में गौरीशंकर बिसेन जो वर्तमान विधायक हैं बालाघाट विधानसभा के, उन्होंने अपने नगर पालिका अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर और अनिल द्वार, इन दोनों को भरे मंच से उन्होंने कहा कि हमने जो जीत पाई है वो शहर के बाहर से पाई है, और शहर में जो मत हमको मिले हैं वार्डों के, उन वार्डों में बूथों के आधार पे उन्हें मत कम मिले हैं जिससे वो हारे हैं बूथों से, इसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कहकर के उन्होंने उनको संबोधित किया है भरे मंच से। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।